Hi everyone, and today's lecture is going to be very very interesting. We're going to discuss a very important topic today, that is time and work. देखो, अब टाइम एंड वर्क का जो इम्पोर्टेंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर प्लेसमेंट्स में, वो कुछ ऐसा है कि ये क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. इफ़ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसके बेसिक्स क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे और आपको इसको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. इसका एक स्केलेटन मैं आपको दे देती हूँ कि जब भी आपके सामने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है. तो सबसे पहला काम है आपका, आपको निकालना है टोटल वर्क. क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर टाइम एंड वर्क की, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपका काम कितना है. उसके बाद आपको निकालनी है यहाँ पे इफिशंसी, जितने भी लोग उस काम में इन्वॉल्व है उनका आपको क्या पता होना चाहिए, इफिशंसी. अब इफिशंसी क्या होता है, वर्क पर डे, कि आप एक दिन में कितना काम करते हो या फिर एक घंटे में कितना काम करते हो या जो भी यूनिट आपके क्वेश्चन में है, तो आप उस हिसाब से पर आवर, पर मिनट, पर डे कितना काम कर रहे हो, ये आपका इफिशंसी हो जाता है. ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है कंडीशंस. तो देखो, टाइम एंड वर्क के कोई भी क्वेश्चन में यही आपको अप्रोच यूज़ करनी है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका टोटल वर्क कितना है, फिर आपको पता होना चाहिए इफिशंसी कितना है, फिर जाके आप कंडीशंस लगाओगे. क्लियर है? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहला टाइप, टाइम एंड वर्क का पहला टाइप क्या, इसको आप लिख लो. व्हेन नंबर ऑफ डेज आर गिवन, मतलब आपको क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, नंबर ऑफ डेज गिवन रहेंगे कि जो भी लोग उस काम में इन्वॉल्व हैं तो वो लोग कितने दिन में काम को खत्म करते हैं. क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको देखो दो तरीके रहेंगे. एक केस में क्या होगा, ये जो डेज है वो इंटीजर्स में होंगे, समझ रहा, एक केस में इंटीजर्स में रहेंगे. या फिर क्या हो सकता है, ये जो डेज है वो फ्रैक्शन में भी हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. ठीक है, तो इंटीजर्स में अगर है नंबर ऑफ डेज तो आपको टोटल वर्क जो है वो किस तरीके से निकालना है, एलसीएम लेना है. फ्रैक्शन में अगर है तो आपको टोटल वर्क क्या लेना है, यहाँ पे वन. टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे वन हो जाएगा. और इंटीजर्स में अगर है तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम. ये चीज यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहला काम, अगर नंबर ऑफ डेज गिवन है तो आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क. तो इन केस ऑफ इंटीजर्स इट विल बी एलसीएम, एंड इन केस ऑफ फ्रैक्शन दिस विल बी अ वन. क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर है. उसके बाद आपको निकालनी है इफिशंसी, उसके बाद आप क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे. तो हम लोग देखते हैं पहला सवाल, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, आप देखो, ए डज द वर्क इन 10 डेज. इससे आप क्या समझते हो, ए किसी काम को खत्म करने में 10 दिन लगाता है, एंड बी डज द सेम वर्क इन 15 डेज. बी को कितना टाइम लगता है इस काम को खत्म करने के लिए, 15 दिन. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, ये तो जो क्वेश्चन में दिया था मैंने वही यहाँ पे लिखा है. अब अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं तो कम टाइम लगेगा, क्लियर है? एक काम को खत्म करने के लिए पहले इंडिविजुअल लोग काम कर रहे थे, ए अकेला काम करता तो 10 दिन में खत्म करता, बी अकेला काम करेगा तो 15 दिन में करेगा. दोनों मिलके अगर साथ में काम करना शुरू कर देते तो फॉर श्योर टाइम जो है वो कम लगने वाला है. तो मैंने आपको क्या बताया था, आप टोटल वर्क निकाल लो. टोटल वर्क क्या हो जाएगा बताओ आपका, टोटल वर्क यहाँ पे कितना आ जाएगा, एलसीएम. 30 यूनिट ऑफ वर्क हो गया आपका, है ना, ये टोटल वर्क है आपका. 30 यूनिट ऑफ वर्क आपको करना है. अब ए अकेला करता है तो 10 डेज लेता है, मतलब वर्क पर डे अगर आप निकालोगे तो 30 बाई 10 कितना आ जाएगा, 3. 3 विल बी द वर्क पर डे. सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 वर्क पर डे. तो 2 यूनिट ऑफ वर्क पर डे कौन करता है, बी, एंड 3 यूनिट ऑफ वर्क पर डे कौन करता है, ए. इसका मतलब दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों मिलके एक दिन में काम करते हैं 5. कोई डाउट इसमें, क्लियर? तो अब आपको निकालना है कि 30 काम करने को दोनों कितना दिन लगाएंगे. तो आप चेक करो यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 5 वर्क पर डे, तो ये कितना आ जाता है, 5 से 6. क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत, तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 30 वर्क है, क्लियर? तो वर्क से वर्क कैंसिल होके आपको यूनिट में क्या आ जाएगा, 6 डेज. तो आपका आंसर कितना आ जाता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी.
सबसे पहले क्या लिया, एलसीएम लिया नंबर ऑफ डेज का, फिर जो क्वेश्चन में बोला हम वो लोग सॉल्व करते गए, एंड आंसर सीधे से आपके सामने है। देखो कुछ लोग ना इसको फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, 1/10, 1/15, तो वो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के लिए तो इजी होता है, लेकिन जब लैंग्वेज बढ़ती जाएगी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप इक्वेशंस नहीं बना पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, अनटिल एंड अनलेस आपके क्वेश्चन में फ्रैक्शन नहीं है, आप टाइम एंड वर्क में फ्रैक्शन को मत आने दो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एनी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। एनी किसी काम को कितने दिन में करती है, 15 दिन में। एंड बाला कैन डू इट इन 10 डेज, तो बाला को कितने दिन लगते हैं इस काम को खत्म करने के लिए, 10। फिर से पहला स्टेप क्या बताओ, एलसीएम निकालोगे, 30 वर्क आ गया, मतलब इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 2, इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 3। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बाला वर्क एट इट फॉर 5 डेज, मतलब बाला ने 5 दिन तक काम किया है, बाला ने 5 दिन तक काम किया। बाला एक दिन में कितना काम करता है बताओ, 3, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 15। अब टोटल था 30, उसमें से बाला ने 15 कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा बताओ, 15 बच गया। फिर बोल रहा है एनी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन, अब बाला चला गया है छोड़ के, बाला नहीं काम करेगा एनी के साथ, और पहले एनी भी नहीं काम कर रही थी, तो बचा कितना काम, 15। इसको एनी से करवाना है तो एनी का एफिशिएंसी कितना है, 2, तो कितना आ जाता है आपका आंसर, 15 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 7.5 आपका आंसर आ जाता है, जो है ऑप्शन नंबर डी। देखो वही फंडा है, एलसीएम निकालो, एफिशिएंसी निकालो, कंडीशंस अप्लाई करो, कंडीशंस आपको यहाँ पे पढ़ना बहुत जरूरी है अच्छे से, ठीक है। चलो देखो क्लर्क में आया हुआ सवाल है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क में आया हुआ एक क्वेश्चन है, देखो प्री में, देखो कैसे आप तुरंत तुरंत आंसर्स निकाल के दोगे। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, तो ए और बी मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। एंड बी अलोन कैन कम्प्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करता है, 24। तो मुझे बताओ एलसीएम निकालने का तरीका, मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था, अगर आप भूल गए हो तो फिर से रिवाइज कर लो, यहाँ पे 8 2 16 और 8 3 24 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सेम नंबर मिलेगा 48, तो आपका एलसीएम कितना आ जाता है यहाँ पे, 48, वरना आपको टेबल भी याद होना चाहिए 16 का, तो ठीक है। तो 16 से कितना बार, 3 बार जाएगा ये, और 24 से कितना, 2। ए प्लस बी आपके पास कितना है बताओ, 3 है, ए प्लस बी का वैल्यू मेरे पास है 3, बी का वैल्यू है मेरे पास 2, मतलब ए का वैल्यू कितना होगा, 1। तो ए अगर एक दिन में, 1 डे में 1 चॉकलेट खाता है, तो यहाँ पे इसका मतलब है 48 डेज में 48 चॉकलेट खाएगा, पूरी चॉकलेट फिनिश करने के लिए 48 डेज लगेंगे, तो मेरा आंसर कितना आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलो इसी के साथ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन बस उसकी शक्ल बदल दी है यहाँ पे, उसका उसको इंटरप्रेट आप सही करना है बस आपको, ठीक है। ए डज 80% ऑफ वर्क इन 20 डेज, इसका मतलब ए जो है वो 80% काम को 20 दिन में करता है, तो 100% काम को कितने दिन में करेगा बताओ, तो ये कितना, 20 से 4 टाइम्स, 20 से कितना 5, फिर 4 से कितना 5, तो ए जो है पूरा काम करने में 25 दिन लगाता है। ही देन कॉल्स बी इन एंड देन टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज, मतलब अब उसने बी को बुला लिया अपनी मदद के लिए, और 20% रिमेनिंग, मतलब 20% बचा हुआ इसको करने में उसको 3 दिन लगे, तो 100% काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो कितना आता है बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी को पूरा काम करने के लिए 15 दिन लगते हैं। एक बात और बता दूं यहाँ पे मैं, जब तक आपके पास 100% या फिर पूरा काम, मतलब कंपटीशन सेम होना चाहिए, ए अकेला पूरा काम 25 दिन में करता है, और ए और बी मिल के पूरा काम 15 डेज में करते हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 75, 25 से कितना बार 3, 15 से कितना बार 5, ठीक है। तो इसका मतलब ए का वैल्यू अगर 3 है तो बी का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। अभी क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क, तो पूरा काम कितना है 75 और बी का एफिशिएंसी कितना है 2, तो बी को पूरा काम करने के लिए 75 का आधा, मतलब 37.5, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर। क्लियर है या नहीं, ठीक है। देखो फिर से ये थोड़ा सा क्वेश्चन एक अलग था, 80% काम का टाइम दे रखा था, तो 100% निकाल लिया। फिर
फिर बचा हुआ 20% का वर्क का नंबर ऑफ डेज दिया होता तो फिर से 100% निकाल लिया एंड देन इसको मैंने अपने बेसिक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। आगे हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे विद सम न्यू कॉन्सेप्ट्स, विद सम न्यू क्वेश्चंस। तो मैंने एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे लिखा है कि राहुल जो है वो 3/5 काम करता है 9 days में। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी थ्री फ्रैक्शन में है तो टोटल वर्क 1 आ जाएगा, मतलब इसका उल्टा कर दो आप, 5/3। टोटल काम को करने के लिए उसको कितने दिन लगते हैं, यहाँ पे 15। मतलब राहुल अगर अकेला पूरा काम करता है तो 15 दिन लगते हैं। फिर राहुल ने किसको बुलाया, अंजलि को। राहुल अंजलि को ही बुलाएगा, तो राहुल ने बुलाया अंजलि को। और बचा हुआ काम मतलब राहुल एंड अंजलि आर लाइक दे आर फिनिशिंग रिमेनिंग वर्क, तो 2/5 हो जाएगा। 3/5 एंड 2/5, ये आपको 1 देगा टोटल वर्क। 2/5 काम करते हैं लोग 4 दिन में, तो इसका उल्टा कर दो तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे बताओ, कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा ये, 5/2। तो पूरा काम करेंगे लोग 10 दिन में। अब एक सपोर्टर है तो टाइम तो कम लगेगा। एलसीएम कितना आ गया, 30। 15 से कितना, 2। 10 से कितना, 3। मतलब राहुल करता है एक दिन में 2 काम, अंजलि करती है एक दिन में 1 काम। तो इन हाउ मेनी डेज अंजलि अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो अंजलि एक दिन में एक काम करती है तो 30 days लगाएगी पूरा 30 यूनिट ऑफ काम करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाता है मेरा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड यस, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।